माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटीना। देखिए माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटीना, जैसे कि इसका नाम है, ये जो एंटीना है वहां पे, वो जगह जहां पे लो प्रोफाइल एंटीना की जरूरत होती है, वहां पे माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटीना का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन होती है, जिनमें जिनका एक पर्टिकुलर साइज होता है, एयरक्राफ्ट है जो साइज होगा उसका कुछ वेट होगा, कुछ कॉस्ट होगी और कुछ परफॉर्मेंस होगी, उसकी कुछ इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है, ताकि उनको इजीली इनिशियलाइज किया जा सके उसकी सारी चीजों को, और एरोडायनामिक प्रोफाइल जो होती है इसमें, ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए एक लो प्रोफाइल एंटीना की जरूरत पड़ती है, और ये जो लो प्रोफाइल एंटीना की जरूरत है, ये एंटीना होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और पैच एंटीना। देखिए ये क्या करेगा कि जो सारी रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफिकेशन है, जो माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटीना है उससे पूरी की जा सकती है। ये जो एंटीना होता है ये माउंट होता है, लगा हुआ होता है एक एक्साइटिंग सरफेस पे या किसी मेटल पे भी, यानी या तो एक मेटल होगा या कोई एक्साइटिंग सरफेस होगा जिसके ऊपर इसे माउंट किया जा सकता है, ठीक है। और ये इनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इसमें फीड लाइन होती है जो कि ग्राउंड प्लेन पे बिहाइंड होगी, और इसकी डिसएडवांटेज भी होती है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो पैच एंटीना या फिर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है ये इनएफिशिएंट होता है, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो नैरो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है। तो इसका यूज जो होता है फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज के लिए, जो फ्रैक्शन होती है परसेंटेज में, कुछ परसेंटेज की, उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा जो माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटीना है ये लो प्रोफाइल एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड है। लो प्रोफाइल एप्लीकेशन जैसे कि हमने किया है, जो लो प्रोफाइल एप्लीकेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज तक होती है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। देखिए इसे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट होगा, ये है हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये जो होगा ना, ये जो माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटीना होता है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर मेटल पैच लगाया जाता है, सबस्ट्रेट के ऊपर एक रेक्टेंगुलर मेटल का पैच होता है, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक कोटेड ग्राउंड प्लेन होगा, डाइलेक्ट्रिक कोटेड ग्राउंड प्लेन, जिससे कि सर्किट बोर्ड बोलेंगे, उसके ऊपर पैच होगा, ठीक है। और माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो कि एक बहुत ही थिन मेटेलिक शीट होती है, यानी कि ये जो पैच होता है ना ऊपर लगा हुआ, ये इसको ही बोला गया है कि ये थिन मेटेलिक स्ट्रिप होगी, ठीक है। इसकी जो थिन मेटेलिक स्ट्रिप है, ये प्लेस होती है स्मॉल फ्रैक्शन पे वेवलेंथ पे, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो होगी एल, और जो इसकी विड्थ होगी टी से डिनोट किया जाएगा। और इसके अलावा इसके ग्राउंड प्लेन जो सबस्ट्रेट होता है हमारा, क्या होगा ये, इसके ऊपर हमारा पैच होता है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट के ऊपर हमारा पैच होगा, डाइलेक्ट्रिक कोटेड ग्राउंड प्लेन जो कि सर्किट बोर्ड होगा उसके ऊपर पैच होता है। और इसकी जो सबस्ट्रेट की जो हाइट होगी उसे एच से डिनोट किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कम होती है लैम्डा से, यानी कि जो पैच होता है, जो स्ट्रिप होती है और ग्राउंड प्लेन होता है, वो सेपरेट होते हैं एक वेव लेंथ से, जिसमें एच जो होता है वो स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है लैम्डा से, ग्राउंड प्लेन के अबव, ठीक है। और ये जो स्ट्रिप और पैच होगा ये क्या होगा, या ये जो स्ट्रिप, इस पैच को ही स्ट्रिप बोला गया है, स्ट्रिप होगा या पैच होगा, और ये जो ग्राउंड प्लेन होगा वो सेपरेट किए जाते हैं एक डाइलेक्ट्रिक शीट से, जिसे कि सबस्ट्रेट बोला गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि रेडिएटिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, रेडिएटिंग पैच होता है, पैच रेडिएटिंग करता है। अब इसमें जैसे कि इसको हमने एक और व्यू लिया गया है, साइड व्यू लिया गया है पैच एंटीना का, ये क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट है, ऊपर पैच है, ठीक है, और ये क्या है,
टी, जो इसकी हाई विड्थ लिखी है वो टी है, इसकी हाइट एच है, इसकी एल लेंथ एल है, जो कि ये चीज ली गई है और ये हाइट है। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया, ये ग्राउंड प्लेन है, ये सबस्ट्रेट है, ये कोएक्सियल फीड है जहां से फीड किया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो पैच होता है, ये स्ट्रिप होती है, ये रेडिएटिंग पैच होता है, जो कि स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या किसी भी और शेप का हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसे स्क्वायर, ज्यादातर इसे स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इस इनको जो हमारा सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, इनकी एनालिसिस इजी होती है, इसी वजह से इनकी फैब्रिकेशन भी इजी होती है, इसी वजह से इनको प्रेफर किया जाता है। इसमें जो फीड लाइन है वो कनेक्टेड होती है स्ट्रिप के साथ, स्मॉल स्ट्रिप के साथ, और कोएक्सियल लाइंस होती हैं, जो कि इनर कंडक्टर, इन कोएक्सियल लाइन जो होती हैं वो अटैच होंगी हमारी पैच के साथ, कनेक्ट होती हैं, और लीनियर और सर्कुलर पोलराइजेशन इससे अचीव की जा सकती है माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटीना के थ्रू। इसमें इसके एरे भी बनाए जा सकते हैं, माइक्रोस्ट्रिप एलिमेंट्स के एरे भी बनाए जाते हैं, यानी मल्टीपल फीड किया जाता है, और जिससे जिसकी वजह से हमें ज्यादा डायरेक्टिविटी भी मिल सकती है। अब देखिए कि जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, और जो वेव जनरेट होती है वो डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट से होती है, यानी पैच और ग्राउंड, यानी पैच और ग्राउंड के बीच में जो सबस्ट्रेट हो ना, ये पैच है, ये ग्राउंड है, इसकी यहाँ पे जो होगी वो जनरेट होंगी, ठीक है ना, जो डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, जो भी हमारी वेव्स जनरेट होंगी। और देखिए ये जो एंटीना होता है ये बहुत ही इनएफिशिएंट होता है, ये कैविटी की तरह, रेडिएटर की तरह ज्यादा वर्क नहीं करता, कैविटी की तरह ज्यादा वर्क करता है, और ये ही माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटीना को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।